हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ। मुझसे शादी करवा भूलेंगे दोस्तों। कल दोस्तों जो सबसे पहली बात बताना चाहूँगा आपको कि जो एपिसोड डेली 1 घंटे का आया करता रहा, कल ये 45 मिनट का आया है। आपको पता ही है इस शो में कोई ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा है, कुछ खास हो नहीं रहा है, बट चलो जैसे ही शो स्टार्ट हुआ तो ये जो डिस्कशन स्टार्ट हुई अपना आंचल और मयूर से लेके, मयूर ने वही बातें कर रहा था, अभी तुमने जो दिन करा, अभी तुमने कनेक्शन नहीं दिया, जो इविक्शन हुई है, 4 लड़के घर से बाहर चले गए हैं, तो उसको बहुत अफसोस हो रहा था। भाई चलो नए लड़के तो अभी 2 दिन पहले आए थे, इंदीप और जो अपना रोहनप्रीत गया है, उससे उसे बहुत था कि भाई हमारी उससे बहुत बॉन्डिंग हो गई थी, फिर किसी भी लड़की ने उसका नाम नहीं लिया, तो हमें उस वहाँ पर बहुत दुख हुआ कि भाई किसी ना किसी को वहाँ पर नाम लेना चाहिए था, इंदीप और रोहनप्रीत का, जो घर से बाहर गए, जो 2 लड़के थे वो तो जा ही सकते थे। दूसरी साइड अपना हीना और अंकिता कोई काम किचन में काम कर रहे थे, तो यहाँ पर हीना चाय बनाने लगी थी, यहाँ पे अंकिता ने बोला 1 कप चाय मेरे लिए बना दियो। उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से, कल के इंसिडेंट होने के बाद जो इतने तो मैं हम पे एलिगेशन लगा रही, तू कह रही है चाय बना दे, मैं चाय क्यों बनाऊंगी। अंकिता ने बोला, वही संजना ने बोला कि भाई तू जब सब चाय भी घर के लिए चाय बन रही तो मेरी भी चाय बन जाएगी, कह रही सॉरी मैं तेरे लिए चाय नहीं बनाऊंगी। तो एक करते करते बात काफ़ी बढ़ गई, मैंने इतना सेंस बढ़ गई कि संजना आपको पता ही है मुँह फटा है, मैं 40 फिल्में करके आई हूँ, तू ये है तू वो है, तू एक छोटी सी फिल्म में काम करा तूने जिसमें मेरी बहन हीरोइन थी, तू उसमें सिर्फ थोड़ी स्पोर्टिंग रोल के थी, ये थी वो थी, तो मतलब काफ़ी बातें सुना डाली। और यहाँ पे संजना ने ये बात कही थी, तू जो रोल्स किए हैं वो भी नाचने वाली के किए हैं, तो ये वर्ड यूज़ किया नाचने वाली के रोल करती है तू, एटम गर्ल है, ये है वो है, तो बहुत जिसे कहते हैं ना, और तुझे कोई तेरी शक्ल देख के या तेरे कोई ऐसे काम देख के तुझे कोई फिल्म में हीरोइन का काम दे ही नहीं सकता, मतलब काफ़ी चीज़ें सुना दी कि संजना ने पूरा उसको ये कर दिया कि मैं भाई तेरे से बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ और तू घटिया है। तो यहाँ पे हर एक घर वाला बीच में आ गया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखी जो नई लड़की आई थी अपना शिवानी, उसने भी बोला कि भई ये तुमने जो बात बोली है गलत बोली है, ये लैंग्वेज तुम्हें यूज़ नहीं करनी चाहिए, तुम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। बट यहाँ पे ये चीज़ जो थी बहुत गलत थी संजना द्वारा, जो उसने इसको इतना कुछ घटिया वर्ड्स यूज़ किए। अब अंदर अंकिता और हीना अपना जो हीना सारी बातें बता रही थी, भाई ऐसे बात हुई तो उसने ये मुझे बोलना शुरू दिया। अंकिता कहती तू अवॉइड कर, वो रहती है, वो चाहती है कि लाइमलाइट में आए, वो कोई ना कोई करेगी, उसके बाद सॉरी वॉरी बोलेगी, वो फ्लिप मारती रहती है, वो लड़की ऐसी है। जब ये देखा गया कि सारे घर वाले अपना संजना के अगेंस्ट हो रहे थे, जो संजना ने वर्ड यूज़ किए बहुत गलत करे, तो यहाँ पे उस टाइम संजना के साथ अपना नवदीश भी खड़ी थी। नवदीश उस टाइम कोई नहीं बोली, बाद में नवदीश ने सोचा मन में कि भाई ये मेरे पर बात ना आ जाए कि भाई तूने कुछ नहीं बोला, तो वो नवदीश संजना को समझा रही है भाई तूने गलत करा, ये नहीं तेरे को बोलना चाहिए, नाचने वाली है ये है वो, जैसे तू वर्ड यूज़ किए हैं ये गलत है, मैं तेरी फ्रेंड जरूर हूँ, बट ये जो तूने अभी ये वर्ड यूज़ किया ये गलत है। तो यहाँ पे संजना उस पर टूट पड़ी, भाई तू नजायज़ फायदा उठा रही है मेरा फ्रेंड होने का, ये है वो है, तो संजना और नवदीश के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई वहाँ पे। अब जैसे पारस और शनाज घर से बाहर जाते हैं वीकेंड के अंदर, वो दोनों घर के अंदर आए, आते ही अभी ये जैसे होता है ना, पहले बिग बॉस में था, अब 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप में जो नई लड़की है अपना आंचल है, संजना है अपना नवदीश और पारस, ये चारों का अपना एक अलग ग्रुप है। जो आप पारस को समझा रहे बता रहे थे कि भी ऐसे हुआ, मीना ने मेरे को चाय बनाने के बोला, ये सारी चीज़ें उसको पारस को समझा रहे थे। दूसरी साइड शनाज, अब शनाज के साथ यही सारे लड़के हैं, जो अपना बलराज है, अपना मयूर और एक लड़की नई जो शिवानी है, और बाकी जो अपने हिना और अंकिता, ये और अपना शहबाज, ये आपस शनाज को समझा रहे हैं भी ऐसी बात हुई है। शनाज बोलती है बोलते हैं बोलने दे इनको, इसका काम ये है, ये इसकी जवानी गंदी है, ये अपने आप को नहीं देखते नहीं करते। तो ये दो आपस में डिस्कशन ग्रुप अलग अलग जैसे वो करते हुए मिले। फिर अब जो हिना थी बाहर गार्डन एरिया में सोफे पे बैठे रो रही थी, वहाँ बलराज आ गए, मयूर आ गया, और यहाँ पे अपना अंकिता भी आ गई, ये डिसीजन दोबारा चल रही। हिना बोल रही है मेरे को भी तुमसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, तुम जब वो मुझे बोल रही तुमने मेरा कोई साथ नहीं दिया, कोई नहीं बोला, और वहाँ रो रही थी चक्कर में, बलराज कहता मैं तो तेरा हमेशा साथ दिया है, और ये मयूर भी बोल रहा था। तो यहाँ पे उस हिना को ये थोड़ा सा लगा कि भाई जब ये वो मेरे को संजना बोल रही थी तो इनको उस टाइम बोलना चाहिए था, जो मेरे साथ जो ग्रुप में है या मेरे साथ जो साथ देते हैं, इन्होंने मेरे बारे में वहाँ पे सपोर्ट नहीं ली या मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया वहाँ पे। अब बात थी टास्क की, बात पारस ने वो टास्क बता रहा था कि भाई ऐसे भी जो 4 लड़की हैं जो मेरे लिए टास्क करेंगी, मीन्स कहने का उसका मतलब ये था कि हिना और अंकिता टास्क नहीं करेंगी, ना क्योंकि वो तो पहले ही बहुत उससे एंगेज हो चुका है और उससे वो बोल चुका है मेरे से कंपेटिबिलिटी मेरे साथ नहीं है, तो बाकी जो 4 थी वो टास्क करेंगी। अब पहले उसने बताया कि जो पहले 2 केक हैं उन 2 केक के ऊपर ऐसा कि वो मुझे 2 लड़कियां टास्क करेंगी और वो पूरे हफ्ते के लिए जो जीतेगी वो मेरा डाइट का ख्याल रखेगी। अब उसने कहा ये जो 2 लड़कियां जो केक मुझे खिलाएंगी उनमें उसने नाम लिया अपना जो दोनों नई लड़कियां थी, एक अपना आंचल और एक शिवानी का। तो इसमें था ये था कि टास्क में उसने सबको 1200 केक खिलाना था और जिसने सबसे ज़्यादा केक खिलाया था जिसका केक एंड में सबसे ज़्यादा बच जाता है वो हार जाएगी, दूसरी जीत जाएगी।
तो यहाँ पे केक खिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हर एक अपने हिसाब से जो जो बाहर से दूसरे प्लेस से जो साथ में बैठे हुए थे वो भी जरा सपोर्ट शिवानी को कर रहे थे, क्योंकि आंचल ने बहुत कुछ बोल चुकी थी वीकेंड के बारे में, कि भी करेक्टर के बारे में, अपना अंकिता और हिना के बारे में, तो उसको सपोर्ट को ज़्यादा कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पे पारस ने इतना केक खा लिया कि हार्दिक को वॉमिटिंग भी आने करनी पड़ गई। पर एंड में जो उसने देखा भी कौन टास्क में सबसे ज़्यादा केक बचा है, तो यहाँ पे जो विनर हुई वो ही शिवानी। अब उसको वो डाल दिया गया, टैग डाल दिया गया, और वो पूरे हफ्ते की अब डाइट की ध्यान रखेगी अपना पारस का। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा उसके अंदर दिखाया जाएगा कि एक टास्क और कराया जाएगा। अब उस टास्क में कह रहा कि पारस का करना था भी, जो ड्रेसिस का ये वो सारा ध्यान रखेंगे बलराज और अपना मयूर, और जो बाकी दो लड़की हैं जिसमें नवदीश है और अपना संजना है, उनका ड्यूटी देखेगी भी। जैसे ये चीज़ कहेंगे भाई ये लागे दो, ये सामान लागे दो, ये इसके कपड़े लागे दो, या ये परफ्यूम चाहिए, ये चाहिए, वो सारे अरेंज करेंगे। यहाँ पर ये दोनों पोस्ट करेंगे ये तो गलत ले गई है, ये गलत आई है। तो यहाँ भी बलराज पूरा जिसे कहते हैं ये गेम है तो पार्शल हो जाएगा। संजना की हर एक चीज़ को गलत बोलना शुरू कर देगा, ये गलत है, ये हुडी नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यहाँ पर संजना को फिर टारगेट किया जाएगा उस दिन के टास्क के लिए। और दूसरा दोस्तों बहुत बड़ा ट्विस्ट, ये विकास गुप्ता के घर के अंदर एंट्री होगी। विकास गुप्ता आते ही पूरी गेम को पलट देगा। वो साफ साफ बोल देगा भाई ये मतलब कहने का मतलब यही होगा कि ये कोई पारस और शहनाज का स्वयंवर अब एंड में आगे जबड़ के नहीं रहेगा। कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ अपनी बॉन्डिंग बना सकता है, किसी की लड़की किसी के साथ सगाई हो सकती है, और कोई भी रिलेशन अंदर बन सकते हैं। तो अब गेम यूं सेट करी जाएगी कि भाई कोई भी लड़का किसी के साथ बॉन्डिंग है और कोई दूसरा उसको अपोज नहीं कर सकता या बोल नहीं सकता कि ये मेरे लिए आई है, तू क्यों कर रही है ऐसे, तू ये कर रही है। तो हर एक की बॉन्डिंग किसी के साथ भी बन सकती है। जैसे गौतम गुलाटी ने लास्ट वीकेंड में बोल ही दिया था भाई कोई पारस और शनासी सगाई या शादी हो या ना हो, किसी न किसी सगाई जरूर होगी। तो मेकर यही चाहते हैं कि भाई जो शो का नाम रखा गया मुझसे शादी करोगे तो किसी न किसी की शादी या सगाई इस एंड में जरूर हो, बेशक पारस और शनास की ना हो। ओके दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय मुझसे शादी करोगे रिव्यू लेके। तब तक सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। Now buy Sheikh Chilli's official merchandise only on the Soul Store. Coffee mugs, school and funky t-shirts. Use code TSSLOTPOT15 to get flat 15% off on Sheikh Chilli merchandises. Hurry up!